नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा छठी की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा के सातवें पाठ सोने का हिरण इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सोने का हिरण। प्रश्न संख्या एक, राम के सारे प्रयास क्यों विफल हो गए और अंत में उन्होंने क्या किया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राम के सारे प्रयास विफल हो गए क्योंकि वो हिरण को नहीं पकड़ पाए। अंत में उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राम ने लक्ष्मण को उनके लौटने तक सीता की रक्षा का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, बाण से धरती पर गिरते ही मारीच ने क्या किया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मारीच राम जैसी आवाज़ में जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वो सहायता के लिए पुकार रहे हों। अगला प्रश्न है, सीता क्या सुनकर विचलित हो गई और लक्ष्मण ने उनसे क्या कहा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सीता मायावी पुकार सुनकर विचलित हो गई। लक्ष्मण ने सीता से कहा कि राम संकट में नहीं हो सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है। अगला प्रश्न है, सीता क्रोध से क्यों उबल पड़ी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सीता क्रोध से इसलिए उबल पड़ी क्योंकि राम की पुकार सुनकर भी लक्ष्मण शांत खड़े रहे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया था पर सीता के कहने पर लक्ष्मण को उनको छोड़कर राम को ढूंढने जंगल में जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, रावण किस वेश में आया था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, रावण तपस्वी के भेष में आया था। अगला प्रश्न है, सीता जी किसे किसे अपनी सूचना राम जी तक पहुंचाने को कह रही थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सीता जी पशुओं पक्षियों पर्वतों नदियों से अपनी सूचना राम जी तक पहुंचाने को कह रही थी। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, सीता के विलाप की आवाज़ किसने सुनी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सीता के विलाप की आवाज़ गिद्धराज जटायु ने सुनी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप का के स्थान पर के लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जटायु ने किस प्रकार सीता जी की सहायता की? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छद्मविच्छेद कर दिया और रावण को भी घायल कर दिया। क्रोधित रावण ने जटायु के पंख काट दिए। अगला प्रश्न है, सीता ने
रथ से अपने आभूषण उतार कर फेंकने क्यों प्रारंभ किए? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सीता ने रथ से अपने आभूषण उतार कर फेंकने इसलिए प्रारंभ किए जिससे राम को उन आभूषणों को देखकर पता चल जाए कि वह किस मार्ग से गई है। अगला प्रश्न है, लंका में सीता की क्या दशा थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, लंका में सीता डरी सहमी रहती थी। वह राम को याद करते हुए रो रो कर अपने दिन काट रही थी। अगला प्रश्न है, सीता जी को लंका में कहाँ रखा गया था और रावण ने राक्षस राक्षसियों को सीता जी से संबंधित क्या निर्देश दिए थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। राक्षस राक्षसियों को सीता जी से संबंधित निर्देश दिए गए कि उन्हें कोई शारीरिक कष्ट ना हो, सीता को अपमानित किया जाए लेकिन उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, किसने किससे कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले विद्यार्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार सोने का हिरण इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।